दानसदान नामदान श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चौकिया झंडे होंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार मनुख अपने मंत के सदा सदाई का कार जियो श्री ननकाना साहिब के होर गुरुद्वारे गुरधामा के जिन्हों को पंथ को विछोड़िया गया है खुले दर्शन की राह किसान निरुटिया की ओर सच्चे पातशाह जी धन धन सोठी सुल्तान सतगुरु साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज धन धन जुगो जुग अटल सतगुरु दीपां पवित्र वसूरी अरदास उजड़ी है पातशाह जी लोग आप जी के पावन स्थाना गुरधामा नवैन का जवाब पंथ की महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक व्यक्ति के प्रधान सेवादार होर अहदेदारा की चोन आप जी की पावन हजूरी में पहुंच लगी है पातशाह जी लोग समुचे मैंबर साहबान हाजिर हैं आप जी ने कृपा करके पातशाह जी अपनी कै भावनी में रख करके सारी सेवा आप परिवार न्यायिक सिद्धि में भरिया हाथ रखना ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਅਮਰਪਾਲ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਰਾ
ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂਬਰ ਐਮਰ ਕਮੇਟੀ ਸੰਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌੜਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀੜਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾਸਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਖਾਨ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਮਾਲਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ
और जिन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सलाह के नाल मैनू बतौर मुख सेवादार प्रधान होने के नाते इतों उम्मीदवार ऐलाने और मैं खुशी है कि मैंबर ने बहुत सत्कार के नाल वोटा पाई और अज की जी वोटिंग सिस्टम है बड़े ही निर्विघ्नता सहित संपूर्ण हुई है। मैं जिते पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मैंबर का धन्यवाद करती हूँ, सबनों बधाई दिनी है। उत्थे सारी पंथ की जो चढ़ती कला के नाल अज उन्होंने इस चोन प्रवान किया। अरदास करा कि सच्चे पातशाह ये सारे पंथ की अरदास साढ़े हिरदे प्रवान हो और गुरु साहब अपने चरणों च प्रवान करके साडे उत्ते कृपा करे कि असी सारे वधिया ढंग दे नाल बेहतर ढंग दे नाल इस सेवा नूं नेपरे चाढ़ सकीए। बीबी चैलेंजेस की होंगे क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है जी। देखो हर मनुख वास्ते हर स्टैप चैलेंज हुंदा, हर चुनौती हुंदी है, उहनूं असी बड़ी सूझबूझ दे नाल सारे मैंबर रल के उन्हां चुनौतियों का जिथे पहला भी सामना करती आई श्रोमणी कमेटी उन चुनौतियों असी खत्म करने वास्ते उन्होंने असी पूरा करने वास्ते जो असी पूरी सूझबूझ के नाल काम करा। 328 पावन सरूपां दे मामले च जिहड़ा है संगत हाले भी रोश है, उस च की कीता जाए? देखो पहला ही यह श्री अकाल तख्त साहब जी जथेदार जी ने सब कुछ दस दिता है, उहदे बारे क्लीयर कर दिता होया, उहदे बारे जो भी सिस्टम के कार्रवाई चल रही है उन्होंने असी नेपरे चाढ़ा। बीबी जी राजनीतिक विरोध किया जा रहा है एस जी पी सी का अजकल पिछले कुछ समय तो, एदा कौन कारण है ते कौन है? देखो मेरी बेनती है अज दा समा सिर्फ मैं धनवाद ही करती परमात्मा दा, उहदा शुकराना करती हाँ, संगत की मैं धनवादी हाँ जिन्होंने वड्डी सेवा दित्ती है। आपां गाए बगाए बैठ के सारिया गल्लां, ये कोई एक दिन की गल नहीं हैगी, सारे बैठ के इनू समय समय के नाल जवाब भी देंगे और तुहाडी सलाह दे नाल इन्हां नूं असी पूरा भी करांगे नजिठांगे। बीबी जी किसानां दी दिक्कत, किसान बहुत वड्डा अफसोस है जी कि जिथे अजे सानूं खुशी भी हो रही है कि साडी चोण होई है, सानूं सेवा मिली है, पर दुख भी है कि साडे किसान भरा जिहड़े आ सड़कां ते रुल रहे हैं, निक्के निक्के बच्चे साडे साडियां मावां साडियां भैणां साडे नौजवान भरा उह सड़कां ते रुल रहे हैं और भारत सरकार वल्लों हरियाणा सरकार वल्लों जो तशद्दुद किया गया जो असह पीड़ा है उन्हों असी अपने शब्दों नाल नहीं दस सकते। वाहिगुरू करे कि उन्हां दी अरदास ही कर सकते धन गुरु रामदास जी दे चरणों में कि उन्हां दी जिहड़ी मंग है उन्हां दी जिहड़ी मुश्किल है वह जल्दी हल हो। पंजाब सरकार सीधा असी देखो सारा कुछ अज ना पकाओ, असी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲਈਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। बोले सो बोले सो निहाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख सेवादार बतौर प्रधान बाकी अहुदेदार मैंबर चोन अज भी उस ही परंपरा के अनुसार चोन है सलाह मैं बड़ी खुशी है कि जिते सारे मैंबर ने बड़े ही सत्कार इस चोन नेपरे चाढ़िया और बड़ी सर्वसम्मति दे नाल एग्जैक्टिव के मैंबर भी चुने गए। मैं ये वास्ते जिते श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, श्रोमणी अकाली दल के सरप्रस्त सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जिन्होंने सारी पार्टी की सलाह नाल और जिन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सलाह के नाल मैनू बतौर मुख सेवादार प्रधान होने के नाते इतों उम्मीदवार ऐलाने और मैं खुशी है
कि मैंबरों ने बहुत सत्कार के नाल वोटां पाईआं और अज की जिहड़ी ये वोटिंग सिस्टम है बड़े ही निर्विघ्नता सहित संपूर्ण हुई है। मैं जिथे पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरों का धन्यवाद करती हूँ, सबनों बधाई देनी है। उत्थे सारी पंथ की जो चढ़ती कला के नाल अज उन्होंने इस चोण नूं प्रवान किया। अरदास करांगे कि सच्चे पातशाह ये सारे पंथ की अरदास साडे हिरदे विच प्रवान होवे और गुरु साहब अपने चरणों प्रवान करके साडे उत्ते कृपा करके असी सारे वधिया ढंग दे नाल बेहतर ढंग दे नाल इस सेवा नूं नेपरे चाढ़ सकीए। बीबी चैलेंजेस की होणगे क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है जी। देखो हर मनुख वास्ते हर स्टैप चैलेंज हुंदा, हर चुनौती हुंदी है, उहनूं असी बड़ी सूझबूझ दे नाल सारे मैंबर लड़ के उन्होंने चुनौतियों का जिथे पहला भी सामना करती आई श्रोमणी कमेटी और चुनौतियों को असी खत्म करने वास्ते उन्होंने असी पूरा करने वास्ते जो असी पूरी सूझबूझ के नाल काम कर रहे हैं। 328 पावन सरूपों के मामले जिहड़ा है संगत हाले भी रोश है, वो की कीता जाऊगा? देखो पहला ही ये श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी ने सब कुछ दस दिता है, वो बारे क्लीयर कर दिता है, वो बारे जो भी सिस्टम के कार्रवाई चल रही है उन्होंने असी नेपड़े चाढ़ा जी। राजनीतिक विरोध किया जा रहा है SGPC का अजकल पिछले कुछ समय तो, यह कौन कारण है? कौन है? देखो मेरी बेनती है अज का समा सिर्फ मैं धनवाद ही करती परमात्मा का, वह शुकराना करती है संगत की, मैं धनवादी है जिन्होंने बड़ी सेवा दी है। आप गाए बगाए बैठ के सारिया गल्ला ये कोई एक दिन की गल नहीं हैगी, सारे बैठ के इनू समय समय के नाल जवाब भी देंगे और तुहाडी सलाह दे नाल इन्हां नूं असी पूरा भी करांगे। नहीं दिखांगे बीबी जी, किसानां दी दिक्कत, किसान बहुत वड्डा अफसोस है जी कि जिथे अज सानूं खुशी भी हो रही है कि साडी चोण होई है, सानूं सेवा मिली है, पर दुख भी है कि साडे किसान भरा जिहड़े आ सड़कां ते रुल रहे आ, निक्के निक्के बच्चे साडे साडियां मावां साडियां भैणां साडे नौजवान भरा वो सड़कां ते रुल रहे आ और भारत सरकार वल्लों हरियाणा सरकार वल्लों जो तशद्दुद किया गया जो असहब पीड़ा है उन्होंने असी अपने शब्दों नाल नहीं दस सकते। वाहिगुरू करे कि उन्होंने अरदास ही कर सकते गुरु धन गुरु रामदास जी के चरणों में कि उन्हों की जी मंग है उन्हों की जी मुश्किल है वह जल्दी हल हो। पंजाब सरकार असी देखो सारा कुछ अज का ना मकाओ, असी मैं थोड़े को 3 दिन इतने पक्की रहा कर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे अहुदेदारां दी ते मुख सेवादार बतौर प्रधान हर साल चोण होंदी है और हर साल जिहड़ी भी जथेबंदी की एग्जैक्टिव चुनी जाती है वह बड़ी मेहनत के नाल अपना समा जिहड़ा वह सेवा विच लाउंदे है। मैनूं बड़ा माण होया अज कि जो गुरु नानक साहब जी का फलसफा सी, आम तौर दे उत्ते मर्द प्रधान देश विच कह दिंदे आ कि शायद औरत नूं कोई सन्मान नहीं दिता जांदा, पर मैं समझदी हाँ कि धन गुरु नानक साहब जी दे बोल सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजा ने। पहला भी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब उस वेले सरदार प्रकाश सिंह बादल सी, उदों भी मैनूं वड्डे माण दित्ते और शताब्दियों के समय के बहुत वड्डी सेवा जिहड़ी सी झोली विच पाई, इतिहास बनिया। अज फिर सारी पार्टी ने प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने
पूरी पार्टी ने जिथे विश्वास के नाल कैंडीडेट दा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने बहुत उत्साह वोटा पा के वड्डी गिनती विच वोटा पाईया अते अपनी सेवादार नूं ये वड्डा मान दिता। मैं तो यही कहांगी सच्चे पातशाह बहुत कृपा की है, हर जीव निमाणिया तू माण न चीजों चीज करे मेरा गोबिंद तेरी कुदरत को कुर्बान। मैं देखो मैं एक बेनती करा जी, हमेशा हर मनुख वास्ते हर कदम चुनौतियां ही होंदिया, भावें कोई भी कार्ज होवे जो असी चुनौती समझ के तुरते हैं तो फिर असी सुचेत होकर उन्हां कम्मां नूं नेपरे चढ़ते हैं। मेरी सब नूं अपील है, सारी सिख कौम नूं अपील है कि सारे मेरे वीर सारियां भैणां सारा पंथ जिहड़ा वो अपनी इस महान जथेबंदी नूं महान बनाउण वास्ते जो साडी जिम्मेवारी है उन्हूं नाल सहयोग दे के इन्हां नूं चुनौतियां नूं खत्म करन वास्ते चुनौतियां नूं पूरियां करन वास्ते सहयोग देन। और मैं सारे भरा जिहड़े कोई रुस्से भी है कोई पासे भी होए है कोई गिले भी है उन्होंने भी निम्रता सहित बेनती करा कि यह संस्था तुहाडी है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ बोलदे आं असीं सोहणे नहीं लगदे। ये सिखां दी बहुत शहीदियां विच्चों कुरबानियां चों निकली हुई संस्था, ये जिड्डी वड्डी संस्था तुहाडी जिम्मेवारी हर सिख की बनती है कि इस संस्था नूं असीं उच्चा चुकीए। सो मैं उस सारी कौम नूं बेनती करांगी आओ होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई दे महावाक अनुसार, अपनी बच्ची नूं अपनी धी नूं अपनी सेवादार नूं ते मेरी सारी टीम नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बनी टीम नूं ताकत दिओ समर्था दिओ शक्ति दिओ कि असी धन गुरु रामदास जी के दर के उत्ते चंगी सेवा निभा सकीए ते उन्हां दे सारी संगत दे विश्वास नूं असी पूरा कर सकीए। करतारपुर लांघे नूं लैके सिख करतारपुर लांघे दे संबंध विच क्योंकि मता भी कीता, सारी सिख कौम दे विच रोस इस करके है कि जदों पिछले 550 साल ते खोलिया सी बड़े चा सी सिख कौम दे विच, जिहड़ा अज एक बहाना ला के करोना दा बंद किया गया, असी भारत सरकार नूं बेनती करते हैं कि तुरंत ये लांघा जिहड़ा खुलाया जाए ता जो 30 तरीक नूं 551 साल पूरे हो जाने हैं संगतां दे ये रीत जिहड़ी है पूरी हो सके। बीबी जी तुसीं इक पोलिटिकल पोस्ट ते हो, क्या तुसीं अपनी पोस्ट छड्डोगे? देखो एक गल ते तुहानूं ध्यान होना चाहिए है, सिख दी धर्म ते राजनीति इकट्ठी है, जिथे असी पोलिटिकल तौर पर भी कोई काम करते हैं ना जी वह असी सेवा ही करते हैं, जे असी कितने मिनिस्ट्री काम करते हैं सड़क बनाउणियां गलियां बनाउणियां स्कूल बनाउणे कॉलेज बनाउणे जां डिवेलपमेंट के कार्ज करने एक कौम की सेवा समाज की सेवा देश की सेवा किसी नौकरियां देनियां सेवा। इस करके ये ना कभी सोचा करो कि हर मनुख नूं यही कही जाना कि धर्म ते राजनीति वखरा कर दो, धन गुरु नानक साहब तो चलती आ रही, धन गुरु नानक साहब जी ने दोनों लैके तुरे है और सिख कौम का फलसफा ही है कि धर्म ते सियासत जिहड़ी इकट्ठे लैके चलते हैं ता ही असी दुनिया में कामयाब हो सकते। बहुत देखो जी किसानों का अज बहुत वड्डा सारी कौम के उत्ते चिंता का ये समा और बहुत वड्डी तकलीफ है कि साडियां भैणां साडे वीर साडे निक्के निक्के बच्चे सड़कां ते रुल रहे और अज जो उन्हां नूं तशद्दुद का सामना करना पै रहा, किते पानी दीआं बछाड़ां हो रही, किते डांगा वरस रही, किते पैदल चल रहे हैं, किते उन्हों कंडालियां तारां चों निकलना पै रहा है। आपां सारे अरदास करिए धन गुरु रामदास के चरणों में कि सच्चे पातशाह कि वो अलाओ करता प्लीज जिहड़ी नाकां तों चुक लईए दिल्ली दी, तुसीं इह देखो इन्ना तशद्दुद चलदिआं होइआं भी वो दिल्ली के बार्डर ते पहुँच गए और उत्थे भी उन्होंने कहा कि भावें जितनी मर्जी तशद्दुद कर लो असी उस कौम के वारस हैं जिन्हां ने हमेशा मुगलों के जां बाकी सारे अहमद शाह अब्दालियां वर्गे बड़े बड़े असी तसीहे झले है, असी कितें डोलन वाले नहीं और ये जित हुई है पहली जित, जिस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी सी ना तो बड़ियां संघर्ष तो बाद तो उस वेले लीडर ने कहा कि पहली जित असी आजादी की जित ली है। अज भी जिहड़ा गृह मंत्री ने गृह विभाग ने जिहड़ा ऐलान किया कि कोई पुलिस रोके ना क्योंकि उन्होंने अपना खतरा पैदा हो गया सी कि पुलिस का नुकसान कितने ऐसी गल ना हो जाए। सो मैं समझती हूँ मैं उन्होंने इस हौसले नूं इस मेहनत नूं जो दृढ़ता दे नाल उन्हां दी अपनी फतेह करने वास्ते पहुंचे है सलूट करती हैं और गुरु साहब के चरणों में अरदास करती हूँ। हरियाणा सरकार ने अड़ियल रवैया दिखाया उनके बारे की कहो? बहुत दुख है जी, ये बेगानगी वाला रवैया दिखा रहे हैं, असी भारत के वासी हैं साडा देश है असी नागरिक हैं देश के वो साडी राजधानी है, जो तो देश के वसनीकों राजधानी तो भी जान तो डोकन ये तो वड्डी बदकिस्मती की हो सकती है। श्रोमणी कमेटी वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला ही ऐलान कर दिया गया
जिथे लंगर की जिथे कमर की जिथे कोई बिस्तर की ज कोई भी लोड़ मैडिकल की सब टीम असी हाजिर कर दी और सारे गुरद्वार मैनेजर ड्यूटियां लाती हैं। फिर भी असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले फिर बैठ के एग्जैक्टिव बैठा मैंबर विचार करा होर भी उन्होंने पूछा असी कि चीज़ों की लड़ है कि असी की सहयोग दे सकते हैं क्योंकि साढ़ा ही परिवार है असी ये बिच बैठे हुए साढ़ा निज है वो इस करके असी हर हालत में उन्होंने तुर के इन फतेह पावे चलो जी कराओ मूह मिठा होना चलो मीडिया साईं जी ठीक है बिल्कुल करा दें चलो बस ठीक आओ जी मत्था टेकने आओ जी चलो जी मत्था टेकने चलो आओ जी मत्था टेकने एक मिनट आओ किसान जो खेतों के मजदूरी करता है किसान।